अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करते हैं आपको आज की न्यू वीडियो में। उससे फेमसियाल और आप देख रहे हैं इसको पाकिस्तान। जी नाज़रीन, कराची के आपने मुख्तलिफ खाबे खाए होंगे, मुख्तलिफ चीज़ों को देखा होगा और मुख्तलिफ अंदाज से बनते हुए देखा होगा, लेकिन आज की स्पेशल वीडियो भेलपूरी जो इंडिया से आगाज हुई और अब कराची में भी आपको खाने को मिल जाती है। ये भेलपूरी है क्या, कैसे बनती है, चल के आज देखते हैं। ये बताइएगा, कराची में मुनफरिद चीजें बहुत कम नजर आती हैं, आप क्या इधर मुनफरिद कर रहे हैं और कब से? तकरीबन हमको यहाँ 35-40 साल हो गए भाई, भेलपूरी दही बड़े की चाट और गोलगप्पे लगाते हैं। भेलपूरी बनाने का तरीका कार क्या है और इसमें क्या क्या अशिया इस्तेमाल होती है? भेलपूरी के अंदर काले चने, मुरमुरे, पापड़ी और ये मसाले वगैरह डालते हैं, चार चीजें पड़ती है। चटनियाँ भी ऐसी है, भेलपूरी की मीठी बनाई जाती है, वो गुड़ की भी बनती है, खजूर की भी बनती है, जैसे पब्लिक पसंद करें। और रायता होता दही वाला हरी चटनी का, और इसमें खट्टी चटनी के अंदर इमली वाली चटनी होती है, ये तीनों चीज इसमें पड़ती है। और चाट मसाला माशाल्लाह हमारा अपना बना हुआ तैयार, अच्छी क्वालिटी का होता है, सारा पूरा सामान घर पे तैयार होता है। एक प्लेट कितने की है, किस हिसाब से आप बेचते हैं? प्लेट एक हमने शुरू की थी उस टाइम 5 रुपए की थी, आज 100 रुपए। और पब्लिक को किस तरह एंगेज करते हैं कि भेलपूरी है इंडिया की है नहीं अपनी है, तो किस तरह पब्लिक को कैसे एंगेज करते हैं? पब्लिक की तो उसकी उनकी राय पूछते हैं, जैसे वो चाहते हैं उनको उस तरह का ही बना कर। कोई तो बहुत तेज मसाले खाता, कोई बोलता सिर्फ लाइट डालना, कोई बोलता दरमियाना, तो इस तरह उनके मर्जी के मुताबिक ही बना कर। क्योंकि भेलपूरी हर जगह पे नहीं, भेलपूरी का ऐसा हिसाब है, यहाँ रंछोलन में है तो फिर सदर में, सदर में है तो फिर तारिक रोड पे, फिर खारादर में, दूर दूर इलाकों में होती है। तकरीबन पूरी कराची से लोग आते हैं, डांडी, कोरंगी, डिगोट, मनीर और बैरिया टाउन, कहाँ कहाँ से लोग बताते हैं डिफेंस। यहाँ तक है कि जो लोग हैदराबाद से आते हैं बोले वहाँ नहीं है चीज, तो उनको हम सूख ही देते हैं, बना के नहीं देते। ये मुरमुरे पापड़ी अलग देते हैं, चटनी अलग देते हैं, सामान अलग अलग दे देते हैं, ताकि मिलेगा तो नरम हो जाएगा, तो वो जाके हैदराबाद तक लोग ले आते हैं। तकरीबन गाँव यहाँ के ना हैदराबाद से ले आते हैं। अगर कोई और इस तरह का काम स्टार्ट करना चाहता है तो उसको क्या एडवाइस देंगे? उस तरह काम चाहता है, हम चाहे सीखे हम बता देंगे, उसकी रोजी चलेगी, सबका जारी हो जाएगा। अगर कोई आना चाहता है और इस तरह की भेलपूरी बना खाना चाहते हैं तो ये एड्रेस बता दीजिए। ये जो हमारा एड्रेस है ना, ये तकरीबन ये समझ लो पाकिस्तान में बेहतरीन रंछोलन लखपति होकर, अगर बंदा अमेरिका से भी आएगा ना तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हर गाड़ी वाला जानता है। ये थी नाज़रीन आज की वीडियो, जिस तरह आपने देखा कि कराची की रंछोल लाइन में भेलपूरी जो कि पड़ोसी मुल्क इंडिया से लाई गई और काफी कराची के ऐसे मकाम है जहाँ ये भेलपूरी आपको मिल जाएगी, तो आइए टेस्ट कीजिए। रंछोल लाइन आपका इंतजार कर रहा है, भेलपूरी खाइए और अपना रिव्यू दीजिए। आज की वीडियो के लेते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह।